हेलो स्टूडेंट्स, वेक्टर कैलकुलस के इस लेक्चर में मैं आपको एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ। और एक क्वेश्चन है डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर, यानी कि दो वेक्टर्स के बीच में डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट पे जो भी इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो जैसे हम बात करें, यहाँ पर मैं फॉर्मूले लिखवा देता हूँ पहले। जैसे हम बात करें वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर, मैं इसको लिख सकता हूँ वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, यानी कि अगर मैंने ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का जो क्रम है वो क्रम परिवर्तित कर दिया, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर कर दिया, तो वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, यहाँ पर अगर मैं क्रम परिवर्तित करता हूँ, ऑर्डर चेंज करता हूँ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी को, बी वेक्टर वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए लिखता हूँ, तो आगे माइनस का साइन आ जाता है। तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। देखिए यहाँ वेक्टर ए बाहर है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस सी, पहले बी का सी के साथ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है, फिर यहाँ जो वैल्यू आएगी ब्रैकेट में उसका वेक्टर ए के साथ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, देखिए फॉर्मूला क्या होता है इसका, वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, ए डॉट सी यहाँ आ जाता है बी, और ये जो बाहर जो वैल्यू है, बाहर वाली वैल्यू में देखिए बीच में ब्रैकेट के बाद ना तो मैंने डॉट लगाया ना ही क्रॉस लगाया है, सिंपल मल्टीप्लीकेशन है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी इंटू बी आगे आता है माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और बाहर आ जाता है वेक्टर सी। तो ये एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, ये तीनों फॉर्मूले यहाँ पर अप्लाई होंगे। देखिए तो इस क्वेश्चन को करते हैं अपन। क्वेश्चन कह रहा है इफ बी यू वेक्टर बाय डी टी इज इक्वल टू वेक्टर डब्ल्यू क्रॉस वेक्टर यू एंड डी वी वेक्टर बाय डी टी इज इक्वल टू वेक्टर डब्ल्यू क्रॉस वेक्टर वी देन प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है वेक्टर यू क्रॉस वेक्टर वी का डिफरेंशिएशन बराबर क्या होगा वेक्टर डब्ल्यू क्रॉस वेक्टर यू क्रॉस वेक्टर वी, ठीक है ना। तो यहां देखो सॉल्यूशन हम निकालते हैं इसका। देखो यहां पे एक और फॉर्मूला अप्लाई होगा, वो ये होगा, पहले मैं लिखवा चुका हूं डी बाय डी टी, देखो यहां वेक्टर यू क्रॉस वेक्टर वी है, तो इसकी वैल्यू क्या लिख सकता हूं मैं, डी यू वेक्टर बाय डी टी क्रॉस वी प्लस u वेक्टर क्रॉस डी वी वेक्टर बाय डी टी। तो यहाँ पे u इंटू वी से हमने क्या कर दिया, डिफरेंशिएशन कर दिया, तो यहाँ पे हम इसका u इंटू वी से डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो सिंस d बाय डी टी वेक्टर u क्रॉस वेक्टर v इज इक्वल टू क्या आएगा डी यू वेक्टर बाय डी टी क्रॉस v प्लस वेक्टर u को रख दिया वेक्टर v का करेंगे तो डी वी वेक्टर बाय डी टी, सिंपल यू इंटू वी वाला रूल लगाया है, बीच में क्रॉस है तो दोनों जगह क्रॉस लगा दिया यहाँ पे, तो बराबर मैं ये वाली वैल्यू अब लिखता जा रहा हूँ लेफ्ट राइट हैंड साइड वाली। डी यू वैक्टर बाई डी टी की वैल्यू क्या है, वेक्टर डब्ल्यू क्रॉस वेक्टर यू, ये तो इसकी वैल्यू रख दी, क्रॉस में भी है तो वी को अलग से लिखेंगे क्रॉस में बाहर, क्योंकि ये इसकी वैल्यू है ब्रैकेट में, क्रॉस भी है तो क्रॉस वी को यहाँ रखा, प्लस वेक्टर यू क्रॉस डी वी वैक्टर बाई डी टी की वैल्यू है डब्ल्यू क्रॉस वैक्टर वी, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, यहां पर पहले ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखो ए वैक्टर ए क्रॉस वैक्टर बी बराबर क्या होता है, माइनस ऑफ वैक्टर बी क्रॉस वैक्टर ए, तो इस पूरी क्वांटिटी को मैं यहाँ ये जो क्वांटिटी है इसको पूरा मैं वैक्टर ए मान लू, इसको वैक्टर बी मान लू, तो वैक्टर ए क्रॉस वैक्टर बी क्या होगा वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए माइनस में, तो माइनस ऑफ वेक्टर बी यानी कि वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, और यहाँ वेक्टर ए की वैल्यू क्या है वेक्टर यू क्रॉस वेक्टर वी। यहाँ पर आप देख लीजिए ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया सेकंड वाला, यानी यहाँ पे ऑर्डर चेंज कर दिया, पहले इसको लिख लिया फिर इस वाली वैल्यू को लिखा है तो बाहर माइनस का साइन आ जाएगा, और ये वाली जो वैल्यू है ये वैल्यू एज इट इज रहेगी, इसको एज इट इज लिख दूंगा मैं। अब बात करते हैं हम अगले फॉर्मूले की, तो अगला फॉर्मूला कौन सा अप्लाई कर रहा हूँ, फॉर्मूला नंबर थर्ड। थर्ड नंबर पे आप देखिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस सी,
इनको दोनों को साथ पढ़ेंगे। देखिए, वेक्टर ए थोड़ा गैप दीजिए, वेक्टर ए क्रॉस थोड़ा गैप दीजिए, बी क्रॉस सी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। तो इस पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करूंगा मैं। तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए देखिए, कंपेयर कर दीजिए, वेक्टर बी वी आएगा, यहाँ आ जाएगा वेक्टर यू, यहाँ आ जाएगा वेक्टर डब्ल्यू। देखिए, ए बी सी की जगह क्या रखना है हमें, ए की जगह वी, बी की जगह डब्ल्यू, सी की जगह यू। कंपेयर कर लीजिए आप, वैल्यू आ जाएगी ये जो मैं लिख रहा हूं, ए डॉट सी इंटू बी माइनस फिर आता है ए डॉट बी इंटू सी, ठीक है ना। अब हम इसमें भी यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला नंबर थर्ड। तो ए डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो वी डॉट यू डब्लू, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस वी डॉट डब्लू इंटू यू, प्लस यू डॉट वी डब्लू माइनस यू डॉट डब्लू वी। अब बात करते हैं हम, देखिए यहाँ पे, देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला नंबर वन, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होता है, वेक्टर बी डॉट ए, ठीक है ना। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होता है, वेक्टर बी डॉट ए। तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं सभी जगह, इसको मैं लिख सकता हूँ यू डॉट बी डब्लू प्लस डब्लू डॉट वी यू प्लस, इसको एज इट इज रहने दूंगा, यू डॉट वी डब्लू, और इस पे भी फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा यही वाला, तो यू डॉट सॉरी डब्लू डॉट यू वी। अब देखिए यहाँ पे ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम है, बट ऑपोजिट साइन है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस का है, तो इस वाली वैल्यू से ये वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। तो क्या बचा, बाकी वैल्यू क्या बची, W डॉट V बाहर है U माइनस W डॉट U और V। तो ये वाला फॉर्मूला देखिए, थर्ड नंबर नंबर से कंपेयर कीजिए, यहाँ A आता है, यहाँ A आता है, इसका मतलब बाहर A आएगा, यहाँ W आ रहा है, यहाँ W आ रहा है, इसका मतलब बाहर W आएगा। क्रॉस यहाँ पहले सी आ रहा है, ठीक है, बाहर बी आ रहा है, तो पहले बी आना चाहिए यहाँ पे, कंपेयर कर लीजिए, यहाँ बी है तो यहाँ पहले बी आना चाहिए, और यहाँ बी कंपेयर करेंगे तो यहाँ बी की जगह क्या है, यू, तो पहले ही लिख दूंगा मैं यू, और यहाँ वी, वी की जगह वहां क्या आ रहा है, सी, तो सी की जगह क्या पुट कर दूंगा, वी, तो क्रॉस वी। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर, यही हमें प्रूव करना था। यहाँ पे ये सारे फॉर्मूले काम आ रहे हैं, तो ये डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये बहुत ही काम के फॉर्मूला है, पूरे वेक्टर कैलकुलस में काम में आएंगे। अब हमारा ये जो है वेक्टर कैलकुलस में हमारा हो चुका है अपना, ये टेंजेंट वेक्टर, यूनिट टेंजेंट वेक्टर हो चुका है, और सिंपल कुछ क्वेश्चन हो चुके हैं। अब धीरे धीरे हम थोड़ा आगे बढ़ते जाएंगे, बेसिक चीजों को समझते हुए हम इम्पोर्टेंट चीजों की तरफ बढ़ेंगे। बेसिक भी जरूरी है अपनी जगह पे, और इम्पोर्टेंट तो है ही, इम्पोर्टेंट जो होता है तो बेसिक को पढ़ना भी जरूरी है, क्योंकि आगे हम तभी पढ़ सकते हैं जब हमें बेसिक चीजें पता हो। और ये क्वेश्चन मैं आपको कहना चाहूंगा, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर पढ़िएगा, आरटीयू में आने लायक क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक नोटिफिकेशन बेल आता है, उस पर आप क्लिक कीजिएगा, ताकि मेरे आगे आने वाली वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू।